अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है, सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमने पहले पढ़ा मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को कि उसने किस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और उसके टेबल की क्या प्रॉपर्टीज़ थी और क्या रिफॉल्स थे। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली जो उसका टेबल था वो क्लियर नहीं कर पा रहा था, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, और वो परफेक्ट टेबल नहीं था। सो इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। एक जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, दो एस्पेक्ट से। और अब हम वो उन दोनों चीज़ों को भी पढ़ेंगे। इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करते हैं, जबकि एटॉमिक मास के केस में ऐसा नहीं भी होता। एंड सेकेंड ये कि इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1913 लेड टू द चेंज इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो जो है डिस्कवरी के बाद एटॉमिक नंबर की 1913 में एक चेंज किया गया मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो कि बेसिकली एटॉमिक मास पर डिपेंड था, तो उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था हमारे पास, बेसिकली वो बेस करता है अरेंजमेंट में एलिमेंट्स की, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर। When the elements are arranged according to increasing atomic number, जब हम elements को arrange करते हैं increasing atomic number के according, from left to right in horizontal row, horizontal row में left to right, properties of elements were found repeating after regular intervals। जो properties होती हैं elements की वो repeat हो जाती हैं हर regular interval के बाद, such as element of similar properties and similar configuration are placed in the same group। जिस तरह के जो elements होते हैं similar properties के और similar configuration के, उन्हें हम same group में basically place कर देते हैं। So इस तरह से modern periodic table ने बहुत ज़्यादा help out किया। modern periodic table की base पर हमने फिर elements को classify करना start कर दिया, उनको उनके atomic mass की बजाय उनके increasing atomic number के according जो है वो start कर दिया उनको। सो इस तरह जो है एलिमेंट्स अरेंज हो गए एटॉमिक नंबर की बेस पर, और इस तरह से ही वो उनकी क्लासिफिकेशन होती रहती है। इट वाज ऑब्जर्व डेट, हमने ऑब्जर्व किया है कि एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठ एलिमेंट्स के बाद 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज द फर्स्ट वन। जो 9th एलिमेंट हमारे पास होता है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द 8th वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सोडियम, जो हमारे पास सोडियम होता है, एंड द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज लिथियम, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि लिथियम की होती हैं आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर के बाद एवरी 19th एलिमेंट वॉज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। हर 19th एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर बिहेवियर ही शो कर रहा होता है। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इन टू द रोज ऑफ 8th एंड 18th एलिमेंट्स। तो जो लंबी लंबी रोज हमने बनाई थी, जो कि पहले मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में बनी हुई थी, उनको कट किया गया 8 रोज में और 18 रोज में, एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर सो दैट द टेबल ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल रोज वॉज ऑब्टेन्ड। और उसके बाद उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया, तो फिर इस तरह से जो एक टेबल था हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज का वो बना, और उसको इस तरह से अरेंज किया गया कि जो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट, उसके हर 8th एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट से ही मिलती थी। सो इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन की गई। इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।